2009 ते 2014 सर्वप्रथम मुलांमध्ये मी गुणवत्तेचा मूळ फोकस गुणवत्तेमध्ये केले की मुलांना लिहिता वाचता कसं येईल या गोष्टीवरती भर दिला. इनके सामने बहुत चुनौती आती क्योंकि ये स्कूल महाराष्ट्र और गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में आता है और सभी कम्युनिटी लोकल कम्युनिटी ट्रिबल कम्युनिटी है और स्कूल आने वाले सभी बच्चे बिलो प्रॉपर्टी लाइन के वर्ग से आते हैं. तो चुनौतियाँ तो थी लेकिन इन्होंने अपने लीडरशिप के जरिए लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके पहले स्कूल के लिए जगह उपलब्ध की और उस पर 2 क्लासरूम बनाए. साथ में उसके बाजू में ही एक छोटी सी जगह में गार्डन भी बनवा लिया. क्लासरूम और गार्डन गाँव वालों ने अपनी श्रमदान से बनाया. आमची जी शिक्षणाची पद्धती आहे, शिक्षण आम्ही जे शिकवण्याची पद्धती आहे ती पूर्ण विद्यार्थी केंद्रित आहे. ह्या मी 365 दिवस शाळा भरते, त्याच्यामध्ये सकाळी 7:30 ते रात्री 10:30 अशी शाळेची वेळ ठेवलेली आहे. ह्या वेळ स्कूल साल के 365 दिन चलता है. स्कूल में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक 63 स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं. क्लासरूम 2 है और टीचर 2 है. बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं. बच्चे एक दूसरे के साथ हुई अंतरक्रिया से अध्ययन करते हैं. पूरी अध्ययन प्रक्रिया चाइल्ड सेंटर्ड है. तो बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग लर्निंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है, जैसे कि ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सेल्फ लर्निंग. हेलो एक बार एंकल एंड अंकल एक्टिविटी स्टार्ट. हेलो एक बार अंकल हाउ आर यू टुडे. आई एम फाइन थैंक यू. नाइस डे. हेलो डियर फाल्कन हाउ आर यू टुडे. आई एम टीचिंग माय फील्ड वर्किंग ऑल डे. हेलो डियर टीचर हाउ आर यू टुडे. बिजी इन द क्लासरूम टीचिंग ऑल डे. माझे नाव मोनिका लक्ष्मण. मी बलवाडीत आहे. माझे नाव गौरी रम्यात भोले. मी आता बलवाडीत आहे. 52 51 52 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
की गिनती कर सकते हैं, तो ऊपरी क्लास वाले बच्चे 350 तक की भी गिनती कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ने में आसानी हो इसलिए यहाँ बहुत सारा अध्ययन पूर्वक साहित्य बनाया गया है, साथ साथ अबैकस जैसी टेक्निक भी बच्चों को सिखाई जाती है। आता अपन सोरोवांमधील मेंटल मॅथमधील ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन वन डिजिट एक्झाम सम आपण आता सॉल्व करूया। स्टार्ट। प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 मायनस 1 प्लस 4 मायनस 3 प्लस 5 प्लस 2 मायनस 4 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 2 किती झाले सांगा? 17। टोटल झाले ॲडिशन 31, त्याच्यामध्ये सबस्ट्रॅक्शन 14, 31 मायनस 14 इज इक्वल टू 17। तर ॲन्सर बरोबर आलं 17।
क्वांटिटी सॉल्व करतो 1 2 3 स्टार्ट। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजक और चैलेंजिंग एक्टिविटी का भी आयोजन किया जाता है, जैसे यह क्यूब एक्टिविटी। बेस्ड लर्निंग के साथ साथ ई लर्निंग जैसी आधुनिक टेक्निक का भी इस्तेमाल बच्चों के पढ़ाई में किया जाता है। खेलकूद के साथ साथ बच्चों को गायन और वादन भी सिखाया जाता है। स्कूल के टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बच्चे अपनी पढ़ाई करने के बाद प्रोजेक्ट वर्क का भी अभ्यास करते हैं, जैसे जेसीबी बनाना, कूलर, क्रेन। जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हिवाळी या शाळेतर्फे हार्दिक स्वागत। या ठिकाणी आपण हिवाळी शाळेमध्ये अपने लीडरशिप के जरिए स्कूल ने लोकल कम्युनिटी को बहुत मजबूती से स्कूल के साथ जोड़कर रखा है। स्कूल के हर गतिविधि में लोकल कम्युनिटी का योगदान रहता है। साथ ही साथ स्कूल को कुछ एनजीओ द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई है। आमच्या शाळेमध्ये सर्वप्रथम मुलांची गुणवत्ता उत्तम प्रकारे सगळे विद्यार्थी जेवढे शिकले तेवढे काहीतरी व्यक्ती लागला पाहिजे। हेड टीचर गावित सर ने अपने बच्चों के लिए एक एनजीओ के माध्यम से वैद्यकीय सुविधा हफ्ते में एक बार भी उपलब्ध कराई है। हेड टीचर के इनिशिएटिव के कारण गांव वालों ने स्कूल में पढ़ने जाने वाली लड़कियों के नाम अपने घरों को दे दिए हैं।